नमस्कार साथियों, वेट सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह आज का वीडियो लेके आए हैं गौशाला का। साथ है जिम गौशाला में विजिट किया था आज, और इसमें एक गाय हमें पड़ी दिखाई दी, डिहाइड्रेट थी, प्रोलैप्स आया हुआ था, उसके आंखें बैठी हुई है, और वहाँ के कर्मचारी ने बताया कि इसको बैठे हुए 7 दिन हो गए हैं, तो इसकी जो आंखें हैं, आंखें बहुत ज़्यादा धसी हुई है, अंदर डिहाइड्रेट है, कान नीचे लटक रहे हैं, वीकनेस महसूस कर रही है और खड़े होने में असमर्थ है। तो अपने जो प्रोलैप्स उसका आया हुआ था, उसको पोटाशियम परमैंगनेट से वाश किया। वाश करने के बाद उसको पालपेट करके देखा तो जो फिट्स है, उसके पैर पीछे आए हुए थे, सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है। तो ये जो गाय है प्रेग्नेंट भी है और लास्ट गेस्टेशन पीरियड पे है, ये 9 महीने की प्रेग्नेंट लग रही है। तो इसको वॉश करके अपने जो प्रोलैप्स आया हुआ है इसको अंदर किया, और इसको हार्मोन ट्रीटमेंट दिया गया कि यूट्रस का मुंह खुल जाए। सिजेरियन के लिए ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, नहीं तो सिजेरियन करके इसका बच्चा निकाल देते। वीकनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, तो सिजेरियन का भी सोच नहीं सकते हैं। तो पहले यूरिन निकाला इसमें, यूरिन ब्लैडर से, और यूरिन ब्लैडर निकालने के बाद इसको अंदर किया है, और अंदर करने के बाद हमने कोशिश की इसको खड़ा करने की, पर खड़ा होने में ये असमर्थ है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है इसमें। तो फ़िलहाल इसको ट्रीटमेंट फ्लूइड थेरेपी ब्लड स्टिमुलेंट देके छोड़ दिया है, हार्मोन ट्रीटमेंट लगा के। सुबह तक वेट करते हैं, अगर रिस्पॉन्ड आया तो ठीक है, नहीं तो इसका सर्जरी करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।